देख रहे हो, पानी के अंदर से मैं जंप कर सकता हूँ। ओ भाई, अगर ये सूट में है तो भाई ओपी चीज है ये। तो गाइस, आप सभी का स्वागत है ब्लैक क्लू गेमिंग में। और यार एक दिक्कत और हो गई कि मेरे बेस में रेड पड़ गई थी, इवेंट हुआ था एक। मैं दिखा देता हूँ क्या क्या नुकसान हुआ। मेरे सारे के सारे मॉब्स चले गए, मतलब विलेजर्स, और ये गड्ढे वड्ढे भाई सही में बहुत बेकार काम करके थे। और मैंने यहाँ पर ये टूल्स के ये भी बनाए हैं, यहाँ पर मैंने छोटे मोटे जितने फायर्स के टूल है वो सारे लगा दिए। और कहाँ कहाँ नुकसान करके गए थे, और एक इस तरफ करके गए थे यहाँ पर, इसलिए मैंने गेट लगा दिए भाई इस बार। तो ये मेरे सारे तोड़ दिए थे। और एक चीज़ और, मैंने ये सारे के सारे ले आया हूँ मैं, और अभी भी मेरे पास स्केल्स है जो कि ड्रैगन्स के है। वैसे ये वाले तो मेरे पास रखे हुए हैं, तो ये भी कंप्लीट कर दिए। और बाकी कुछ कर नहीं पाया हूँ अभी, मेरे को ये भी ढूंढना पड़ेगा, और एक इसकी पैंट ढूंढनी पड़ेगी, ये भी नहीं ढूंढा। तो यहाँ पर भी तोड़ फोड़ की थी उन्होंने, ये देखो यहाँ का एरिया उड़ा दिया भाई। भाई सही में बहुत दुखी करा था उन्होंने। मैं तो बाहर बाहर ही भाग गया था घर से, क्योंकि मुझे पता था वो बहुत नुकसान करते हैं। देखो ये क्या क्या कर दिया मेरे बेस का। तो आए कौन थे? आए थे ये वाले, ये जिनके ये वाले फेस है ना, ये आए थे उड़ने वाले, और भाई बहुत दुखी किया था, नेदर के आ गए थे। और मैं एक काम करता हूँ, इन सभी को रखूँ साइड में। और एक चीज़ और, मैं जो ड्रैगन लाया था जंगल से वो भी मार दिया भाई उन्होंने। मेरे पास उसके पंख थे, मैंने फेंक दिए शायद। वो भी यार क्या करे अभी, वो भी चले गए यार। और जितने भी मैंने ये ड्रैगन को मारे हैं ना, मैंने किसी के स्कल्स को नहीं लिया, मुझे पता भर जाते। ये भी देखो, ये भी ड्रैगन स्कल से भरा हुआ है, इसलिए मेरे को यार लेने ही नहीं थे। और ये देखो इसमें हैं बहुत सारे सी सरपेंट के स्कल, ये देखो 30 यहाँ पर है, 27 रेड के है, और टेल के भी है, ये 21 है, 32 ब्रॉन्ज के है, और डीप ब्लू के भी है मेरे पास, ये तो ड्रैगन के है, वो ग्रीन के भी है मेरे पास, 61 है ग्रीन के भाई। तो इतने सारे मेरे पास है, और 42 ये भी है मेरे पास। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे मारे हैं सी सरपेंट, और ड्रैगन से भी ज़्यादा हार्ड है यार उनको मारना। एक तो मिलते नहीं यार ऊपर से, फिर ढूंढना भाई बहुत मुश्किल का काम है। और मैंने एक काम और किया था, मैंने लेवल्स इकट्ठे किए हैं, और कुछ मेरे को लेवल्स की बुक भी मिली है। तो अभी देखो मेरे पास लेवल्स के इतने सारे हो गए, इसको भी भर ही दूँ मैं। ओके, ये भी आ गई। तो अभी और भी बुक भर सक एक बुक और भर सकते हैं, जो कि हमारे पास है नहीं। और ये मैं लेके घूम रहा हूँ बहुत सारे इंचेंटमेंट बुक। ओके, ये भी है मेरे पास। ये मुझे नहीं पता इसमें क्या काम है, इसका कुछ लिखा नहीं हुआ है, नहीं लिखा तो हुआ है। ओके, ये 25% कुछ कर देता है, मेरे को नहीं पता किस में लगाना है। तो यहाँ पर मैंने दो तलवार और बनाई है, जो कि है रेपियर, एक आइस की और ये वाली। और एक मैंने ये बनाया है जो कि आइस का बो बनाया, आज मैं इसको भी यूज़ करने वाला हूँ, इसमें डालने वाला हूँ इंचेंटमेंट। सब्जेक्ट का मेरे को नहीं पता है डलती हुई है कि नहीं। और ये है आर्मर हमारा, गोलम आर्मर। और मैं सोच रहा था इस आर्मर में डालूं, फिर मेरे को ये इसकी एक पैंट रह गई थी, पैंट भी मिल गई, तो मेरे को गोलम आर्मर पूरा हो गया सेट। आज इसको भी बनाऊंगा अगर हो सकेगा तो, बाकी तो आज मैं इसको डाल लेता हूँ इसमें। मैंने देख रही हूँ इसमें पावरफुल आ रहा है क्वालिटी, तो इसमें मैंने हड्डियाँ डाल डाल के इनको बिल्कुल बढ़िया कर रखा है। इनमें भी लेजेंड्री लेजेंड्री है। पहले तो मैं इन बुक्स को रख दूँ जो किसी काम की नहीं है। इनमें वैसे इंचेंटमेंट तो बढ़िया बढ़िया है, जैसे कि सोल ब्लेसिंग का है, ये मैं डालूंगा अगर डल जाएगा तो तलवार में। एक मिनट, मैं निकाल के ही रख दूँ इसको, अलग अलग हो जाएगा ना। ओके, लेजर स्माइट की ज़रूरत है भी नहीं मेरे को, शायद से किसी तलवार में डलेगा। और हाँ एक चीज़ और, मेरे को एक विलेजर इसमें वो मिला था जिसके पास ये वाली बुक थी अपग्रेडेड पोटेंशियल्स की। इसमें क्या होता है कि जब भी इसको डालते किसी भी टूल में तो उसमें एक्सपी कम लगते हैं। तो मेरे को एक तो मैंने इसमें डाल ली थी, एक इसमें डाल ली है, और एक इसके लिए मैंने रख रखी है। बाकी मैं आर्मर के लिए नहीं रख पाया, क्योंकि भाई वो मर गए। अभी क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। और भी मस्त मस्त लाया था मैं, वो भी मर गए भाई, और मैं बुक भी नहीं ले पाया उनसे, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। कोई नहीं, आपने ये डालते हैं, इसमें ये डालूंगा। एडवांस पावर 5 कर लिया था, जो एडवांस वाला था मेरे को शुरू में मिल गया था, उससे मैं ले लेके 5 कर दिया। और इन्फिनिटी डालूंगा, तो अनब्रेकिंग डालूंगा। सब्जेक्ट तो डलेगा ही नहीं इसमें, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो डलते हैं, डालते हैं। पहले तो अपग्रेडेड पोटेंशियल डालूंगा मैं। मैं काम करता हूँ, मैं दो दो बुक एक साथ जोड़ देता हूँ, उससे आसानी हो जाएगी। ये देख रहे हो 3 लेवल लगेंगे इसमें, और ये दो बुक, और ये दो बुक। वो भाई 21 लेवल, और इसमें इसमें भी 21, और अगर इसमें मिला है तो 22 लेवल। नहीं भाई इसमें, अरे ये नहीं चाहिए ना। अभी भी कोई है यहाँ पर, वही वाला है भाई अभी भी। अरे यार उसने मेरा बहुत नुकसान किया है, अभी कहीं ना कहीं तो है वे, शायद से नीचे होंगे। चलो जाने देते हैं, इसमें पहले डालता हूँ अपग्रेडेड पोटेंशियल्स। ओ एक मिनट, अनब्रेकिंग 3 नहीं आ रहा, ये क्या बात है भाई, अनब्रेकिंग 3 तो आना चाहिए। अरे फिर तो इसको अलग ही करो पोटेंशियल्स को।
तो सही में गलत है। पहले तो मैं, अरे इसमें नहीं डालना, इसको तो अलग रखो, आज इसमें ये डालने हैं। तो सबसे पहले अपग्रेडेड, जिससे मेरे लेवल्स कम लगेंगे। अब मेरे लेवल्स कम लगेंगे, पहले इन्फिनिटी डाल देता हूँ। अरे यार अब डाल देता हूँ एडवांस पावर 5। ज़्यादा लेवल मांग रहा है भाई, इसमें 4 लेवल लगेंगे अनब्रेकिंग में। ओके अब कितने, 24। कोई दिक्कत नहीं है, एक बुक खर्च होएगी। बुक की तो कोई कमी नहीं है हमारे पास, और लेवल्स तो मिलते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है लेवल्स को ढूंढना। तो ये आ गया इसमें पावर 5। और ये देखो बाहर का एरिया पूरा उड़ा दिया था उन्होंने, ये तो दिखाना भूल ही गए। यहाँ से उड़ा दिया, ये उड़ा दिया भाई, और मेरा ड्रैगन फिर से गिरा दिया। यहाँ पर मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया था छोटा सा, ये फिर से गिरा दिया। क्या दुर्गति हो रही है मेरे ड्रैगन की भाई। इसको मैं ना वापस रख लेता हूँ, इसको बाद में रखूँगा। ये यहाँ पे ना बर्फ़ एक तो इतनी पड़ रही है, सही में बहुत दुखी हूँ मैं बर्फ़ से भी। मैं कहीं जा भी नहीं सकता, ठंड लगनी शुरू हो जाती है भाई थोड़ी थोड़ी देर में। मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। ओके ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आधा ऊपर आधा नीचे, तो वो भी आ गया। तलवार मैं नहीं बना रहा, वैसे मेरे पास सुप्रीम पावर है, क्योंकि 1 का तो मेरे को पिछले पार्ट में ही मिल गया था। तो पावर 5 दोनों के लिए ले रखी है, बाकी मेरे पास कुछ है नहीं। अच्छा मेरे पास ये भी है, सोल ब्लेस, अभी तो रखा था मैंने, शायद अभी रखा था। तो इनके लिए भी मेरे पास कुछ खास नहीं है, सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन है, एडवांस नहीं है। और आज मैं ये देख लेता हूँ कि हम इनको बना सकते हैं कि नहीं, जो कि गोलम के आर्मर है। ओके जूते की रेसिपी नहीं, पहले हेलमेट से शुरू करूँगा। ओके हेलमेट के लिए चाहिए एक कुक्ड रैबिट और एक ये डायमंड और एक ओक बोट। ये तीन चीज़ें पहले मैं बना लेता हूँ। ये रही डायमंड की पिकेक्स है, और ओक बोट के लिए ओक की लकड़ियाँ चाहिए होगी। ये डायमंड का कोई आर्मर, हाँ आर्मर भी है। हेलमेट चाहिए था ना, और क्या क्या चाहिए था। ओके एक बोट चाहिए, एक बेड चाहिए, बेड भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आरी का बहुत फ़ायदा होता है। अरे कैसे रखते हैं, इससे तो स्टिक मिलती है, इससे प्लैंक्स मिलते हैं। इन सभी एरिया को मैं ऑफलाइन ठीक करूँगा, अभी मैं ठीक नहीं करने वाला। और ऊपर से मेरे विलेजर्स गए, अभी जो मेरे पास इंचेंटमेंट है वो भी नहीं मिलेंगे भाई, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं, तो दिक्कत ही दिक्कत है यार। तो क्या करना था मेरे को सबसे पहले एक ये बनानी थी, और एक बना लेना था बेड। ओके बेड भी आ गया, ये भी आ गया, इनको थोड़ा साइड में रखो। इधर है रेसिपी। ओके हेलमेट भी होगा, एक मशरूम चाहिए, एक म्यूज़िक डिस्क चाहिए C48 वाली। ये तो दिक्कत कर दी भाई, ये तो मेरे पास नहीं है C48 वाइट वाली डिस्क, नहीं है मेरे पास ही। अरे C4813 तो है शायद, वो C4813 नहीं था, वो कुछ और था। अरे गड्ढे भी सही में, अरे ये थी यार, क्या करे इसका, ये मेरे पास है ही नहीं। यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। ओके ग्रीन वाली है, ग्रीन नहीं चाहिए यार, वाइट चाहिए। मेरे पास ये भी है लेकिन वाइट नहीं है भाई, वाइट चाहिए। मेरे पास क्लोक है, मैं सोच रहा क्लोक भी लगा दूँ। एक वेदर की मैंने वो नहीं बनाई अभी तक, घड़ी जिसमें बता सके वेदर वेदर कुछ भी। मैं यहाँ पर लगाऊंगा, एक तो लगाऊंगा घड़ी जो कि मेरे को बताएगा टाइम, अभी बता रहे डे दिन निकला हुआ है, दूसरा दिन है और टाइम हो गया है 3 बज गए हैं दोपहर के। अभी मेरे को बनाना है एक वेदर की घड़ी, वेदर क्लोक कैसे बनती है। हाँ ये रही, ये बनानी है मेरे को। ओके इजी है बहुत, पर मेन दिक्कत तो वो हो गई ना कि मेरे पास डिस्क नहीं है यार, काम की चीज़ें मिलती नहीं यार। चलो ये भी आ गए, ये मेरे को बताएगा कि वेदर कौन सा है, बाहर का मौसम क्या है। इसको भी लगा देता हूँ यहीं पर, मिड वेदर है, ठीक है। तो यार ये तो बहुत मुश्किल है बनाना इसको, हेलमेट मैं दूसरी चीज़ ट्राई करता हूँ, हेलमेट देखूँगा मैं। बस मेरे को यही तो चाहिए ना डिस्क, मैं और चीज़ देखता हूँ। ये क्या है, जूते, मेरे पास ब्लू डिस्क है, पर ये वेट वाली यार, अभी ये दिक्कत हो गई। ये भी तो दिक्कत है ना कि इसमें वही चाहिए जो लिखा हुआ है, इसके अलावा कोई दूसरी। ये मेरे पास मॉल वाली है यार। ओके ये थोड़ी ईजी सी लग रही है मेरे को, चेस्ट प्लेट बना सकते हैं, और ये किस चीज़ की थी, पेंट की। ये बना सकते हैं दोनों। तो क्या करते हैं, पहले तो इसको रख के देखते हैं। इसके लिए एक मेरे को ये चाहिए पर्पल पिलर, अभी लाता हूँ पर्पल पिलर। मैं एक ये ले लूँ, आऊँगा भी तो सही ना। अरे ये आने की ज़रूरत क्या है, पर फिर भी ले लूँ। पर रात वात तो नहीं हो रही, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता रात होए कि दिन होए। तो मैं जाऊँगा एंड सिटी में, एंड सिटी किधर है भाई। अरे ये रही, ओ ये अलग ही दिक्कत है भाई। ये कहाँ पर रेड पड़ी हुई है, कुछ आइडिया नहीं। अच्छा यहीं पर ही हो गई रेड। भाई मैं बच गया, ये यहीं पर ही रेड हो रखी है। तो मेरे को चाहिए सिर्फ ये वाला एक ब्लॉक,
चलते हैं घर पे भाई। क्या किस्मत है, रेड वहाँ पर पड़ गई जहाँ पे एंड सिटी है, अंदर पड़ गई इसके और मैं यहाँ पर सेफ आ गया। तो ये आ गई एक डायमंड चेस्ट प्लेट, एक गोल्डन एक्स। डायमंड चेस्ट प्लेट ये रही, मेरे को एक गोल्डन एक्स चाहिए। गोल्डन एक्स के लिए तीन ये चाहिए, एक गोल्डन एक्स। अरे लकड़ी यार, कोई नहीं लकड़ी अभी बना देता हूँ, काटनी तो है ना। ये हो गई लकड़ी, ये आ गई एक डायमंड की एक्स। और क्या क्या चाहिए था, ब्लेज पाउडर, एक चेस्ट, ट्रैप चेस्ट चाहिए। ट्रैप चेस्ट है मेरे पास रखा हुआ है, देखना पड़ेगा। एक गोल्डन इनगट भी चाहिए, ट्रैप चेस्ट यहीं पर रखा होगा। ये रहा एक चेस्ट, मेरे को ना ये सारा सामान इधर रखने दो, क्योंकि मेरे को वो सामान चाहिए जिसकी मेरे को ज़रूरत है। ये चाहिए, ये चाहिए, ट्रैप चेस्ट चाहिए, गोल्ड चाहिए, और शायद से चेस्ट प्लेट भी चाहिए होगी, हाँ चाहिए। और मेरे को एक ब्लेज पाउडर भी चाहिए। ब्लेज पाउडर चीज़ें तो है हमारे पास, इसके लिए तो हम बना सकते हैं। ये आ गया ब्लेज पाउडर। और क्या चाहिए था इसके लिए, ओके एक डायमंड और ब्लॉक चाहिए था, ठीक है डायमंड ढूंढना पड़ेगा। एक बोन का ब्लॉक चाहिए, और एक लास्ट चीज़ है ड्रॉपर। ड्रॉपर कैसे बनता था, ओके ईजी है। तो ड्रॉपर के लिए ऐसे रखो, और ये रखो, ये आ गया ड्रॉपर। मेरे ख्याल से इसके लिए सारी चीज़ें हो गई तैयार। ये रहा ड्रॉपर, ये रही ये चीज़। प्लेट व्लेट भी थी क्या, हाँ एक चेस्ट प्लेट भी थी। और क्या था, अभी मेरे को बस एक ये चाहिए और एक ये चाहिए बोन का ब्लॉक। अभी जा रहा हूँ माइन पे, यहाँ बोन का ब्लॉक तो ये रहा। अरे कहाँ गया, कहाँ रख दिया भाई मैंने, ये रहा, आ गया बोन का ब्लॉक। और जा रहा हूँ माइन पे, अरे किधर से है। तो ढूंढने के लिए सबसे पहले मेरे को डायमंड ऑन करना पड़ेगा। अरे एक मिनट, डायमंड कैसे, अरे की बदल गई, ये अलग ही दिक्कत है यार, हमेशा ये दिक्कत होती है, इसकी की चेंज हो जाती है। ड्रैगन के लिए कहाँ थी वो की, ओके ये है ड्रैगन, ड्रैगन की। एक मिनट, मेरा नमलो कौन था, ऑफ था, मुझे लगा की कैसे बंद हो गई। तो ये करना है मेरे को, अरे डायमंड पे करना था ना यार। डायमंड, डायमंड लाते हैं, हमारी पिकैक्स निकाल लेते हैं। मैं जा रहा हूँ नीचे, नीचे ही पता चलेगा कहाँ पर है। यहाँ पर है कहीं डायमंड, कहीं डायमंड नहीं है, और नीचे चलते हैं। अरे डायमंड बता दे भाई, ओके यहाँ पर है डायमंड, मिले मिले। किधर थे, थोड़े इधर भी है, ओके इधर है, ओके मिल गए। ये रहे हैं मेरे, कितनी जल्दी मिले हैं। इसको बंद करो, अपनी पिकैक्स चाहिए मेरे को सिल टच वाली, क्योंकि मेरे को एक ब्लॉक चाहिए ना, ले लूँ मैं दो तीन, क्या पता ज़रूरत पड़ जाए। आ गई ना ये रही, ओके चलो भाई घर चलते हैं शॉर्टकट मार के। अरे यार ये हमेशा होता है, दो दो एक साथ पी लेता हूँ भाई। मेरे ख्याल से भी सारी चीज़ें आ चुकी है इसकी, ओके चलो भाई बनाते हैं। ज़रूरी नहीं है वैसे ही रखना, कैसे भी रख सकते हो, बस चीज़ें होनी चाहिए उतनी जितनी चीज़ें मांगी गई है। ये रखना था, ये रखना था, ये रखना था, एक चीज़ और रखनी थी, ये भी दिक्कत हो गई। क्या रखना था, ब्लेज पाउडर रखना था। ब्लेज पाउडर तो रख दिया था मैंने, ब्लेज पाउडर शायद से मैंने हड्डी हड्डी का ब्लॉक नहीं रखा। ओके चलो भाई बनने देते हैं इसको, बन जा, देख रहे हो कैसे भी रख सकते हो, बस सामान होना चाहिए और आपको मिल जाएगा सामान। तो ये है हमारी पहली चीज़ जो कि है गोलम चेस्ट प्लेट। को रिपेयर कैसे कर सकते थे यार, यहाँ लिख क्या रहा होगा ना, नहीं यार पता नहीं इसको रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए होगा। कोई नहीं, हमारे ये आर्मर हटाओ, इसकी जगह ये रखेंगे क्योंकि इसमें इंचेंटमेंट आएंगे। और अगली चीज़ देख लेते, ये हमारा काम हो गया इसका, इसको रखते हैं साइड में, यहाँ रखते हैं, ये काम हमारा हो गया। अभी देखते हैं दूसरी चीज़, ओके इसमें डिस्क चाहिए, डिस्क हमारे पास है नहीं, ठीक है ये कर। वेट चाहिए यार, इसमें वेट वाली तो है ही नहीं, ओके ये बना सकते हैं। आयरन और चेन और गोल्ड, ओके चेन प्लेट के लिए शायद ऐसे रख, अरे नहीं, चेन प्लेट के लिए इसको निकाल के ऐसे ही रखना होगा, इनसे बन जाएगी चेन प्लेट की चीज़। ये आ गई चेन, शायद से हेलमेट भी था, हेलमेट भी आ गया, ओके डायमंड की भी है, और एक क्ले है, क्ले शायद से मैं कभी इकट्ठी करता हूँ भी नहीं। ओके यहाँ पर डायमंड की मिल गई, अरे आयरन की थी तो सही यार, पर कोई नहीं, आज तक कभी मैंने क्ले लेने की कोशिश नहीं की कि मेरे को ज़रूरत पड़ेगी क्ले, और आज मेरे को ज़रूरत पड़ रही है क्ले की। कहीं तो रखे मिल जाए यार, एक चाहिए मेरे को बस, ओके है क्ले मेरे पास, ठीक है काम हो गया। ये पांच चीज़ आ गई, एक दो तीन चार पाँच, पांच चीज़ आ गई। आयो फेंडर मिल जाएगी, कबल स्टोन बॉल मिल जाएगी, गोल्डन कैरेट, तीनों चारों चीज़ें मिल जाएगी। याद आएगी आयरन बॉल, आ गई गोल्डन कैरेट, अभी क्या रह गया वो देखना पड़ेगा। तो ये रह गया बस ग्रीन टेराकोटा, ओके ग्रीन टेराकोटा, ये ग्रीन है, ये लाइम है, मेरे को ग्रीन चाहिए।
टेराकोटा चाहिए इसके लिए सिर्फ, और कैक्टस मिला देनी है। टेराकोटा बनते कैसे? क्ले के ब्लॉक से एक टेराकोटा। मेरे पास क्ले है ना, अब क्ले की जरूरत पड़ रही है भाई। सही में मेरे को नहीं पता था इतनी जरूरत पड़ेगी यार क्ले की। और छह ही बनी यार, कम से कम दो और बनानी है मेरे को, आठ बनेगी ना टोटल, अभी तो काम हो पाएगा। क्ले मिल जा, ओके 13 और है, अभी इनको डालना पड़ेगा फर्नेंस के अंदर। टेराकोटा मिलेगा और कैक्टस, वो भी नहीं होगी हमारे पास। अरे होगी तो सही यार, ये रही ना, ये भी हो गया काम। अभी मेरे सारे काम अच्छे होते जा रहे हैं बिल्कुल, बस मेरे को ये ऐसे करके ग्रीन बना लेनी है इसको, ऐसे करके। अब इसको भी डाल देना है फर्नेस में। ओके ये भी आ गया ब्लॉक। और ये पेंट भी रखनी है, और एक शायद से ये रखनी थी। ओके पेंट भी आ गई भाई, तो दोनों चीज़ें आ गई, पेंट आ गई, ये आ गई, ये मेरे गोलम के आर्मर है, और ये सबसे ओपी आर्मर होते हैं आरएल क्राफ्ट के अंदर। और अभी बस हेलमेट और मतलब कि जूते रह गए हैं, ये आते फिर मैं इसमें इंचेंटमेंट डाल दूंगा। ये भी काम हो गया हमारा यार। हेलमेट, हेलमेट मैं सब कुछ बना सकता हूँ, बस ये डिस्क बनानी। यार कोई रेसिपी नहीं है क्या यार? ये मारने से ही मिलती है, ये तो गलत चीज़ है यार। अब मेरे को क्रिपर व्रिपर ढूंढने पड़ेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा। तो रात हो रही है, चलते हैं बाहर, थोड़ा सा देखते हैं कोई मिल जाए। मेरे को बस स्केलेटन और क्रीपर दोनों एक साथ चाहिए। अभी ठंड में कोई क्रीपर आएगा? क्रीपर तो आ जाएगा, पर स्केलेटन का क्या? और ये भी तो दिक्कत है ना, सबसे बड़ी चीज़ें आती। ओके यहाँ पर क्रीपर है, पर स्केलेटन, ओ भाई स्केलेटन किधर है? कोई है? स्केलेटन, स्केलेटन, क्रीपर तो है। अरे कोई है जो एरो चला सके? क्रीपर मिल, ओ बोरे बोरे बोरे, मिले मिले मिले। आ जाओ भाई पीछे, आ जाओ मेरे पीछे, आ जाओ, आ रहा है ना? ओके आ जा। अरे मैं कुछ जल्दी आ गया, किधर है भाई? रुक जा क्रिपर, आ जा आ जा, मार इसको, मार मार मार। अरे यार सारा काम खराब हो गया। अभी और क्रिपर ढूंढते हैं आसपास कहीं। क्रिपर नहीं, क्रिपर नहीं है यार, ये मेरे पीछे पीछे तो आ रहा है पर यहाँ पर क्रिपर नहीं है भाई। ये सबसे हार्ड टास्क है मेरे लिए सही में, क्रिपर से उसको मरवाना। ऊपर से ये नहीं पता उससे डिस्क मिलेगी कि भी नहीं। ओके वहाँ पर क्रिपर है, क्रिपर है, निकल लेते हैं भाई। यहाँ पर कोई स्केलेटन ही नहीं है, इसको ऐसे ही लाना पड़ेगा यार। आ जा चला आराम आराम से। ओके वहाँ पर है, बहुत बढ़िया, आ जा भाई। ओ यार ये, ओ इधर देख ले भाई, आता रहे पीछे। स्केलेटन था वो, कहाँ चला गया भाई? अरे यार ये स्केलेटन भी भाई इतनी मुश्किल से, ओ मिला मिला, कहीं से मारा उसने, ये रहा, ये रहा। आ जा भाई इसको मार, इसको मार, इसको मार। अरे रुक जा यार रुक, इसको मार, अब मार मार इसको, मार मार। ओ भाई ये तो बड़े तेज निशाने मारता है। अरे कहाँ गया वो? मार 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 मार, हाँ मार और मार। ओके तो मैं डिस्क ले आया भाई, बहुत मेहनत लग गई थी लाने में, लेकिन कोई नहीं, अभी मेरे पास अलग अलग तरह के डिस्क है, डुप्लीकेट भी है, कोई नहीं चलेगा। अभी मेरे को क्या चाहिए? मेरे को एक वेट चाहिए, वेट। ओके वेट ये रही। अच्छा ये पर्पल है, ये ब्लू है, ठीक है ये वेट चाहिए। अरे एक मिनट एक मिनट, पहले मैं ये तो बना लूँ हेलमेट की जगह, इसके सामान भी तो मेरे खो रहे थे ना पूरे। तो ये चाहिए मेरे को एक इसमें, और एक मेरे को चाहिए ये वाली, ये है मेरे पास। चौथी चीज़ पांचवी, और एक मेरे को नोट ब्लॉक बनाना पड़ेगा, एक कुक्ड रैबिट और एक मशरूम। मशरूम मिल जाएगी भाई, है चलो मशरूम हो गया काम, इसको पका लेते हैं। ये भी हो गया। और क्या चाहिए था मेरे को? एक नोट ब्लॉक चाहिए था। नोट ब्लॉक कैसे बनता है? नोट ब्लॉक के लिए लकड़ियाँ चाहिए और एक रेडस्टोन, ठीक है। ओके एक चीज़ की और ज़रूरत है भाई, अरे क्या भूल गया भाई मैं। ओके एक ये चाहिए मेरे को एरो, इसके लिए मेरे को एक एरो। ओके ग्लो स्टोन चाहिए, ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस ये रखना है, हो गया काम। एक ये रखना है, ये रखना है, अरे ये वाली डिस्क नहीं, ये रखनी है। और मेरे को एक चीज़ और रखनी थी जो कि ये। ओके हेलमेट भी आ गया, तीनों चीज़ें आ गई। अभी बस मेरे को चाहिए इसकी रेसिपी। तो जूतों के लिए एक स्टिकी पिस्टन चाहिए, एक वाइट कंक्रीट चाहिए, म्यूज़िक डिस्क चाहिए जो कि मेरे पास वेट वाली है ना, वेट वाली म्यूज़िक डिस्क चाहिए, एप्पल चाहिए,
ये तीनों चीज़ें। और ये चेस कौन सा चाहिए? चेस चाहिए नॉर्मल, गन पाउडर, ओके एंड स्टोन। मेरे को एंड सिटी में जाना पड़ेगा एक बार, वो जो कि मेरे को ये बाहर से ही लाना पड़ेगा एक। अरे यार चढ़ने वढ़ने का रास्ता नहीं। अरे भाई 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 आ जा रहा हूँ। तो ये भी आ गया हमारे पास एक, एक दो तीन चार पाँच छः सात चीज़ें आ गई। स्टिकी पिस्टन होगा मेरे पास पक्का। हाँ ये रहा, मैं वही सोच रहा था मेरे पास है ये चीज़ें। एक कंक्रीट चाहिए, वाइट कंक्रीट। ओके वाइट कंक्रीट का पहले पाउडर बनाना पड़ेगा, उसके बाद इसको वाइट कंक्रीट कैसे था ऐसे। हो गया ये भी काम, ये भी चीज़ आ गई। हेलमेट भी आ गया हमारे पास, ये शायद नहीं जूते है तो ये भी रखते हैं, तैयार करते हैं इसको भी। एक चीज़ और थी यार, यार हमेशा ये दिख, हाँ ये है, मैं हमेशा भूल जाता हूँ। और एक ना एक चीज़ ये भी आ गई। अब ये नहीं बताई ये इनको ठीक कैसे करा जाता है। तो ये जूते भी आ गए हमारे पास, और अभी हम इसमें डालते हैं इंचेनमेंट। तो चलते हैं, पहले तो इनमें ये डालूँगा मैं दोनों में, क्योंकि ये गर्मी सर्दी से बचना है। ओके ये भी आ गई, अभी गर्मी सर्दी से तो बचूंगा ना मैं। अब मैं देखता हूँ पहले इसको पहन के कैसा लगता हूँ मैं। ओ भाई ये तो बिल्कुल ही अलग तरीके का। ओ यार देख रहे हो, हेलमेट तो इसका अलग ही है। तो हेलमेट इसका सबसे ज़्यादा लेवल का है, मतलब कि ज़्यादा पावर इसमें दी हुई है, 31 की दी हुई है, ठीक है। और बस इसमें ये थोड़ी सी कमज़ोर होती है चेस्ट प्लेट, बाकी तो सब कुछ हार्ड होता है। देख रहे हो ये तो 24-24 है, और इसमें नॉकबैक भी नहीं मिलता मेरे को, नॉकबैक से भी बचाता है मेरे को। चलो भाई मेरे ख्याल से इसमें कुछ ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इंचेनमेंट डालते हैं, प्रोटेक्शन अभी नहीं डालूंगा मैं, वेट करूंगा एडवांस प्रोटेक्शन की, तो एडवांस डालूंगा। अनब्रेकिंग डाल देता हूँ, मेंडिंग डाल देता हूँ, रेस्पिरेशन डाल देता हूँ, एक्वा के डाल देता हूँ इसमें, ठीक है। तो पहले हेलमेट में अनब्रेकिंग, और ये मेंडिंग। ओके थोड़े से लेवल लगेंगे। ओके तो सारा सूट तैयार। और ये डबल हुक मेरे को मिली थी, ये सिर्फ फिशिंग रोड के लिए है। तो मैंने डाला क्या है, जूतों में मैंने मेंडिंग डाला है, अनब्रेकिंग, फेदर फॉलिंग, और एक ही अंडर वाटर स्ट्राइडर टू डाल दिया, ठीक है। वन वन के थे तो टू बना के डाल दिया। और पैंट में एक एजिलिटी डाला है, और अनब्रेकिंग और मेंडिंग, और कुछ नहीं है। और चेस्ट प्लेट में मेंडिंग और अनब्रेकिंग डाला है, बाकी हेलमेट में भी वही है, अनब्रेकिंग 3, मेंडिंग और रेस्पिरेशन एक्वा। अरे मुझे नहीं लगता कि जा रहा। ओके ओ भाई स्पीड देख रहे हो मेरी, ये स्पीड पता है कहाँ से आई है, जो अंडर वाटर स्ट्राइडर डाला है मैंने उसकी वजह से। पर ज़्यादा कुछ है नहीं, इससे देखते हैं कुछ हुआ। मुझे तो वैसे ही लग रहे हैं नॉर्मल, लेकिन स्पीड देखो भाई। तो ये स्पीड इसकी वजह से नहीं है, ये अंडर वाटर स्ट्राइडर डाला उसकी वजह से स्पीड है। और जो मैंने एजिलिटी डाला वो किस लिए था, इसके दो लेवल होते हैं, मैंने कितने लेवल डाले हैं, मैंने भी दो ही डाले हैं। ओके मूवमेंट स्पीड बढ़ा देता है, ठीक है, ये मूवमेंट स्पीड बढ़ाता है, और ये स्ट्राइडर हमारी पानी के अंदर स्पीड बढ़ाता है। तो नॉर्मल स्पीड मेरी बढ़ी हुई है, और पानी के अंदर तो और भी ज़्यादा हो जाएगी। ओके ये मेरे को ग्लो कहाँ से मिला था, ये क्या सूट के अंदर ही होता है या मेरे को किसी ने दिया? आसपास तो कोई है नहीं जो मेरे को ग्लो दे। तो भाई पानी में तो बिल्कुल लो की स्पीड हो चुकी है, मैं तैर रहा हूँ कि भाग रहा हूँ भाई पानी में, देखो क्या स्पीड है। तो सूट की वजह से तो है नहीं, इंचेनमेंट की वजह से है, पर ये अजीब सा नहीं लग रहा सूट जो भी है काम चलाओ सूट है। अरे नहीं काम चलाओ नहीं है, मैं भी क्या बोल रहा हूँ यार, ये ओपी सूट है। और बस इसमें मैं काम चलाओ इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जो पानी वाला सूट था ना उसमें एक खास चीज़ थी, अंडर वाटर की शक्ति है उसमें। ये चाहे तो मैं स्पीड बढ़ा लूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दो इंचेनमेंट डालने हैं एजिलिटी के नाम से, और एक मेरे को डालना पड़ेगा अंडर वाटर स्ट्राइडर। बाकी उसमें क्या है कि मेरे को स्ट्रेंथ 4 मिलती है, बस वही एक चीज़ है जिसकी वजह से वो सूट मेरे को अच्छा लगता है, इसलिए मेरे को काम चलाओ भी बोल रहा था। तो भाई पानी से निकलने के बाद भी नॉर्मल है, और वैसे भी नॉर्मल है, लेकिन हमें लक मिल रहा है। अच्छा तो इसकी ये पावर कहाँ से भाई, क्यों निकल ले तू, मेरे को लक मिल रहा है। अच्छा तो ये सूट की खास बात है, यह इसमें कुछ लक का लगा हुआ है ना, इसमें लगा तो हुआ नहीं है। मेरे को इन गोलम आर्मर के बारे में पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, तभी मेरे को पता चलेगा ये काम कैसे करते हैं, मतलब इनमें पावर क्या है। तो मैं सोच रहा तलवार में भी डाल ही लूँ, मेरे पास है तो सही चीज़ें, तलवार भी हम बना ही लेते हैं, दोनों में डालूंगा। और लेवल्स मेरे को इसमें भर भर के चाहिए होंगे,
कोई नहीं, लेवल हमारे पास बहुत सारे हैं। पहले मैं इसमें डालूँ, इसमें पहले से मैंने पोटेंशियल डाला भी हुआ है, तो सुप्रीम डालूंगा इसमें, मेंडिंग डालूँ, अनब्रेकिंग, और ये सोल ब्लेसिंग भी डालूंगा। डल गया तो पोटेंशियल डाला हुआ ना। ओके, इसमें सबसे पहले डाल देता हूँ मैं सुप्रीम शार्पनेस, अनब्रेकिंग 3, मेंडिंग। देख रहे हो, चार चार पाँच पाँच लेवल लग रहे हैं मेरे। ओके, इसमें 15 लेवल लगेंगे अभी। ये आ गई हमारी एक और ओपी तलवार, देखूंगा इसको बाहर जाके टेस्ट करके कैसी है। और ये देखनी है ये क्या काम करेगी, ये भी डाल के देखूंगा मैं इस वाले में। अरे इसमें पहले तो इसमें अपग्रेडेड पोटेंशियल डालना है और सुप्रीम शार्पनेस, अरे लेवल चाहिए, अनब्रेकिंग, और वो कौन सी थी, ये थी ना। ओके, डल जाएगी इसमें। किधर गई वो बुक, ये रही, ये भी काम हो गया। हमारी इसमें सारी चीज़ें इंचेंट हो चुकी है, बस प्रोटेक्शन नहीं डाला। क्यों ना मैं प्रोटेक्शन भी डाल दूँ भाई अपने सूट में। अभी देखो यार, ये वाला सूट मेरा मेन है, ठीक है, अब इसमें प्रोटेक्शन डाल दूँगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसको मेन नहीं बनाने वाला। अगर मैं मेन बनाऊंगा, जो मैंने रेड बनाया था ना, ये सूट, ये सी सरपेंट का बनाया था, इसको मेन बनाऊंगा मैं। ये वाला सूट मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत मेहनत लगी थी भाई इसको ढूंढने में। अब इसमें इंचन वो डाल देते हैं, इंचन मनी पावर, प्रोटेक्शन रहेगी ना तो अच्छा रहेगा। ओके, समय प्रोटेक्शन 4 आ गई। चलो बाहर करते हैं इन तलवारों को यूज़, देखे तो सही इसके फ़ायदा क्या होगा। जैसे मैं किसी को मारता हूँ, मेरे को ग्लोइंग इफेक्ट भी मिल रहा है, तो ये नई चीज़ है, और ऊपर से मेरे को लक भी मिल रहा है। चलो इस पर ट्राई करके देखते हैं कहाँ से भाई। ओके, तलवार में कोई कमी नहीं है, वैसे ठीक काम कर रही है। मैं भी इससे ड्रैगन मारना चाहूँगा एक। यार ये पता नहीं ब्लड मून कब निकलेगा, मैं तो देख ही नहीं पाता कभी ब्लड मून, मेरे सामने निकलता ही नहीं। मैंने उसके बारे में पढ़ा तो 1% चांस होता है ब्लड मून का। ओके, मिला ड्रैगन। ओके, ज़्यादा एंटेनमेंट नहीं अभी, पर इसमें इतनी ओपी हो चुकी। ओ भाई, मैं जंप कैसे करता हूँ यार, ये सूट में ही है कि, देख रहे हो पानी के अंदर से मैं जंप कर सकता हूँ। ओ भाई, अगर ये सूट में है तो भाई ओपी चीज़ है ये। यह इंचैनमेंट की वजह से नहीं पता भाई मेरे को, पर पानी के अंदर से देखो, मैं ऐसे जाता हूँ, ऐसे निकलता हूँ, तो पानी में जंप कर सकता हूँ मैं भाई, सही में ये तो अलग ही चीज़ है। चलो भाई इसको मारते हैं। वो जल्दी मरा है सही में। तलवार वैसे ज़्यादा बुरी नहीं है, पर हाँ ज़्यादा एडवांस भी नहीं है, ये हो जाएगी एडवांस, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर ये नमूने स्पॉन हो गए हैं भाई, मैं जा रहा हूँ घर पे अभी। चलो भाई, अपने ड्रैगन को भी बड़ा कर दूँ मैं, उसको भी बड़ा करना ज़रूरी है, मेरे को उसके लिए ट्रीट बनानी पड़ेगी। कोई नहीं, बना लेते हैं। ये मैंने चिकन इकट्ठे किया है वहाँ से, यहाँ मेरे पास अंडे। ओ फिर से भर गए भाई, यार कितने, क्या करूँ यार, मर जाया करो इससे अच्छा, मेरे को चिकन तो मिलेंगे। चलो भाई ड्रैगन मील बनाते हैं, 32। अब मेरे पास हड्डियाँ कम पड़ जाएगी, मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को लग ही रहा था हड्डियाँ कम पड़ेगी। ऐसे रात हो रही, नहीं रात नहीं हो रही। अरे ड्रैगन तो ले लूँ, मेरे पास ये 50 दिन वाला ये लूँगा, इसको खिलाने वाला हूँ, ये 42 दिन बढ़ जाएंगे इसके। रात हो रही है कि क्या है भाई, मौसम ही ऐसा है। चलो भाई इसको यहाँ पर लाते हैं, चलो करते हैं बड़ा। ओके, हो रहा है हो रहा है, और हो जा भाई, कितना बड़ा हो गया। ओ मेरे को दिखना, अरे मैं बैठ गया, मेरे को दिखना बंद हो गया था भाई, तो इतना बड़ा ड्रैगन हो गया अभी हमारा। बैठते हैं, कुछ दिख रहा है, सबको तो दिख रहा है। ओके, उड़ तो सकते ही हम। अब मेरे को देखना है यार, ये आग कैसे छोड़ता था। ओ भाई मेरे को ठंड क्यों लगी, अरे यार ठंड लगनी शुरू हो गई, ये ऐसे मरीजों की तरह क्यों चल रहा है भाई, ये देख रहे हो क्या यार, ये तो मेरे को डैमेज मिल रहा है। ओके, निकल ले तू, अपना ड्रैगन ले लूँ भाई, इसको अंदर टेस्ट करूँगा। अरे आ जा भाई, ये सो गया क्या। ओ
करके सो गया था। तभी मैं सोच रहा है ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा क्यों चल रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यही है कि बारिश होती है, बर्फ़ पड़ती है, बहुत कुछ होता है। चलो एक बार और देखते हैं ड्रैगन को चला के। अभी दिन निकल गया ना। मैं आपको एक चीज़ और बता रहा था कि इसका अगर आपको देखने में अच्छा नहीं लग रहा, मतलब दिख नहीं रहा है ऊपर से, तो वो मैं बताने वाला था। तो इस पर जैसे हम बैठते हैं और मैं दबाता हूँ F7, 1 मिनट इसको पहले करते हैं F5 से ऐसे, और अभी मैं F7 दबाऊँगा तो देखो इसको मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ, इधर से भी देख सकता हूँ मैं। अभी मेरे को आधी स्क्रीन दिखेगी और आधे में मेरा ड्रैगन होगा, ठीक है। अगर F7 दबाऊँगा तो सेंटर में ये पूरा का पूरा मेरे को ड्रैगन उड़ता हुआ दिखेगा, और ये बीच में बिल्कुल, और F7 दबाऊँगा तो ये यहाँ पर। ये ऐसे में देखने अच्छा नहीं लगता, ऐसे में सही लगता है ड्रैगन। ओके तो हमारा ड्रैगन बड़ा तो हो गया है, पर ये आग कैसे छोड़ता था भाई, ये तो हमें पता ही नहीं है। ओके ड्रैगन स्ट्राइक, ड्रैगन डाउन, ड्रैगन ब्रीथ, आर दबाते हैं तो आर पे तो कुछ और सेट है ना यार। ओके आर दबा के देखते हैं। नहीं यार ये सेट है, और जी दबाते तो जी पे तो कुछ और है यार। आर दबाते तो ये खोल रहा है यार, इसको निकालने के बाद। ओके छोड़ा, छोड़ी 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 इसने। ओ भाई आर दबाने से है वो बेल्ट उतारनी पड़ती है, क्योंकि मेरी की सेट हो रही है ना गलत। तो अगर मैं यहाँ पर आर दबा देता हूँ, ये मुझे पता है सारा जलेगा, पर जलाना तो है। ओ भाई अरे उड़ेगा कैसे, उड़ ले भाई, भाई पूरा एरिया जला देता है यहाँ का। देखो जला के, ये जला के देखता हूँ। ओ भाई पूरा एरिया ही जला दिया भाई मैंने, देखो ज़्यादा ही मैंने जला दी चीज़ें। इसको अंदर रखो अभी अरे अंदर रखना था भाई। तो ड्रैगन भी हमारा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, और हमें और भी ड्रैगन चाहिए होंगे, क्योंकि ये तो मेल है, और साथ में आइस ड्रैगन भी चाहिए होंगे। तो गाइस आज का हमारा काम हो गया, हमारा काम था गोलम आर्मर बनाना, और ये बन गया है, जिससे हमें लक मिल रहा है। और पानी में पता नहीं मैं जंप कैसे ले रहा हूँ, शायद सूट की वजह से या किसी और चीज़ की वजह, देखे देखा जाएगा, पढ़ लूँगा इसके बारे में कुछ। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए गेम के एपिसोड में।